बजरंग बली बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। आज से मारुति पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। मैं किष्किंधा नरेश भाली सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज से मारुति हमारा पुत्र होगा। क्या समझ रखा है आपने हमारे नाती को? ये कोई वस्त्र या आभूषण नहीं है कि जिसको मन आया उसको पहना दिया। मैं तो केवल ये बताने आया कि विधाता के कार्य में आज तक कोई विघ्न नहीं डाल पाया है। विधि के विधान में विघ्न डालकर आप दोषित क्यों होना चाहते हैं कुंजर जी? विधि के विधान में विघ्न आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते जामवंत जी? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए महाराज कुंजर, आज तक मारुति पर अनेकों संकट आए हैं। उन संकटों का मारुति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा आज तक। कुछ न कुछ अच्छा ही परिणाम हुआ है उन संकटों का। और आपको तो स्मरण होगा ही कि जब पवन देव मारुति को उड़ना सीखने के लिए ले जाने वाले थे तो आपने ही विरोध किया था। और उसके बाद आप स्वयं मारुति को लेकर पवन देव के पास गए थे। हे पवन देव, कृपया हमारे सामने प्रकट हों। आप पर भ्रम और संदेह करके जो भारी भूल मैंने की है, आज उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और तब एक महान घटना घटित हुई थी और मारुति ने उड़ना सीखा था। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति, मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। इसीलिए मेरी आपसे विनती है महाराज कुंजर कि विधि के विधान को बदलने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है। ये सब घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? उसे समझने का प्रयास कीजिए। सोचिए, मारुति जैसे पुत्र को उसकी मां ने त्यागने का निर्णय एकाएक कैसे लिया? महाराज, कुछ तो है जो ना हम समझ पा रहे हैं और ना आप। हो सकता है मारुति के किष्किंधा जाने में
मारुति की ही कोई भलाई छिपी हो। आगे आपकी इच्छा महाराज गुंजर, मैं नाना और नाती के बीच में नहीं आऊंगा। वाह महाबली काका, क्या उपाय निकाला है आपने। क्या करने चले थे किंतु क्या हो गया। लगता है हमारे भाग्य में हमारे भूल का प्रायश्चित करना लिखा ही नहीं है। अंजना, तुम क्यों दुखी होती हो। तुमने जो प्रायश्चित किया है ना, वो कोई और नारी कर ही नहीं सकती। जी, मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए पिताजी, किष्किंधा चलिए। आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव। माता अंजना एक
शरीर है मारुति उनके तन की सांस, मारुति उनके तन की जल बिन मछली तड़पे जैसे, जल बिन मछली तड़पे जैसे, वैसे तड़प रही है माता, वैसे तड़प रही है माता। खुशी के आंसू दिखा दिखा कर, खुशी के के कलंक को मिटाने के लिए मैं अंजन प्रदेश तो क्या सब कुछ छोड़ सकता हूँ। अब मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक उस श्राप का निवारण नहीं कर देता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे प्रभु, अंजन प्रदेश छोड़कर किष्किंधा जा रहे हैं? मां ने पुत्र को त्याग दिया? मेरे प्रभु ने जिस मां के लिए सृष्टि चक्र बदल दिया था, आज मेरे प्रभु उस मां की ममता से वंचित हो गए? नहीं, यह तो अनर्थ हो गया। इसमें दोष मेरा भी है। मैं उन्हें श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय न बता पाया। वे कितनी आशा लेकर मेरे पास आए थे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कंज लोचन कंज मुख कर कंज
पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नव विजनक सुतावरम नव विजनक सुतावरम बहु सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम रघुनंदन शबरी ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदस गुरुदेव प्रणाम गुरुदेव राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। आप एकाएक यहाँ सूचना भिजवा दी होती मैं स्वयं आ जाती। शबरी इतना समय नहीं था कि सूचना देकर बुलवाते। तुम वर्षों से श्री राम के जप में लीन होकर उनके आने की बाट जो रही हो, आज मैं तुम्हारी एक और श्री राम के परम भक्त से भेंट कराना चाहता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन होंगे। शीघ्र बताइए कहाँ है वो और मैं उनकी क्या सेवा करूँ। यूँ समझ लो, श्री राम की लीलाएं सृष्टि चक्र में आरंभ हो चुकी हैं। उनमें अपना योगदान देने का अवसर तुम्हें भी प्राप्त होगा। सच गुरुदेव, अब लगता है कि इस अभागन शबरी का जीवन सार्थक होने वाला है। बताइए क्या करना है मुझे। तुम्हें किष्किंधा जाना होगा, वहाँ पवन पुत्र मारुति से मिलना होगा और उन्हीं की सहायता करनी होगी। गुरुदेव, क्या वही है वो भक्त जिसके बारे में आपने कहा है। हाँ शबरी, वो तुम्हारे परम आराध्य प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। वो भी तुम्हारी भांति ही प्रभु श्री राम से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम शीघ्र किष्किंधा के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मारुति के रूप में मैं अपने प्रभु की ही सेवा करने जा रही हूँ।
मेरा मार्गदर्शन करके आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। कल्याणमस्तु। महाराज और महारानी के साथ ये सुंदर सा बालक कौन है? महाराज बाली तो अंजन प्रदेश गए थे, हो ना हो ये मारुति ही है जिसकी चर्चा चारों ओर है कि बड़ा ही अद्भुत बालक है ये। देखो ना कैसा दिव्य रूप है, कैसा तेज है मुखड़े पर।